और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के एक ऐसे ड्रामेबाज मंत्री की जो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। कभी ये मंत्री बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हैं तो कभी सड़कों के गड्ढे भरने के लिए तगाड़ी फावड़ा उठाकर खुद काम करने लगते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी विधानसभा क्षेत्र की खराब सड़कों के चलते अपने जूते चप्पल त्याग दिए हैं और जब भी बाहर निकलते हैं तो बिना जूते चप्पल के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम आपको ये मंत्री की असलियत बता दें, दरअसल ये मंत्री ड्रामा करते हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई मंत्री जी एक नंबर के ड्रामेबाज हैं। सबसे पहले तो आप ये पहली तस्वीर देखिए कि किस तरीके से मंत्री महोदय कमरे में बकायदा चप्पल पहनकर ठहाके मारते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में देखिए कि किस प्रकार को जनता को दिखावा करने के लिए, दिखाने के लिए नंगे पैर चलते दिखाई दे रहे हैं। ये दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और आप इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर किस प्रकार से जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जनता के सामने ड्रामा करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे मेरे सहयोगी योगेश, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, हम दो तस्वीरें हमने देखी कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युमन सिंह तोमर, वो नंगे पैर चलते हैं और जनता को दिखाते हैं कि जब तक मेरे विधानसभा क्षेत्र की सड़कें ठीक नहीं होंगी मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, नंगे पैर घूमूंगा, तस्वीरों में देख सकते हैं। और दूसरी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि वो कमरे में चप्पल पहनकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेश मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो मंत्री जी, आपने सब कुछ बताई दिया कि जब कांग्रेस सरकार में थे तब इन्होंने गटर में उतरे, गटर साफ करा, झाड़ू लगाई और नजरी और तमाम ऐसी ऊर्जा मंत्री हैं तो अपने सुर्खियों बना रहते हैं। और इस समय आपको मालूम लगातार चुनाव नजदीक आ रहा 23 में, और अभी हाल ही में चुनाव हुए थे मंत्री जी के विधानसभा में, लगभग एक प्रत्याशी जीता था नगर निगम का, बाकी सब सीटें हार गए थे। कहीं ना कहीं जनता इनसे रुष थी। मैं आपको एक और बता दूं कि ये इनने लगातार ये चप्पल उतारी तो सुर्खियों में बने रहने के लिए इन्होंने चप्पल उतारी जनता की भी, कि भाई मैं जब तक अपने प्रशासन के लोगों को यहाँ सड़कें नहीं बनवा दूंगा तब तक मैं ये चप्पल ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा उनने मैं हम लोगों के माध्यम से जनता तक अपना बात पहुँचाई थी। मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस में थे तब भी इन्होंने ये इस तरह झाड़ू आके सफाई कर्मचारी, जब उस समय सरकार जो थी कांग्रेस की थी तब भी इनका नगर निगम कमिश्नर नहीं सुन लेते, ऐसा कर इनका कहना था। और जबकि उस समय महापौर जो थी बीजेपी की, अब इस समय आज 57 साल बाद ग्वालियर में जो कांग्रेस की महापौर बनी हुई है इस समय। लेकिन योगेश, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें वो चप्पल पहने नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर कब की है, कहाँ की है, किस स्थान की है, योगेश इसके बारे में बताएं। अभी जो स्थापना दिवस था कल मंगलवार को, ये गुना की तस्वीर है जी। ये गुना में ये गए थे, वहाँ पर ये प्रभारी मंत्री है वहाँ के गुना में, तो वहाँ ये गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने जनता के बीच में आपने एक तस्वीर में देखा कि नंगे पैर है, लेकिन ये जब अंदर कमरे में बैठे थे अपने सहयोगियों के संग वहाँ चप्पल पहने नजर आए। मैं आपसे एक मनीष जी एक बात और बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कांग्रेस बराबर ये बात कह रही है कि जब इस समय केंद्र में सरकार आती है, राज्य में सरकार आती है जी, फिर क्या कारण है मंत्री और आपके प्रशासन अधिकारी नहीं सुन रहे, इसलिए आप सीट तो इस्तीफा दें। लेकिन मंत्री जी लगातार सुर्खी बनाए रहने के लिए इस तरह से कारनामे बराबर करते रहते हैं, अब जनता शायद समझदार हो गई है कि भाई मंत्री ऐसा क्यों करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका बहुत शुक्रिया। तो ये दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं दोनों तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से मंत्री जी एक तस्वीर में बिना चप्पल के अपने क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो कमरे में चप्पल पहनकर बैठे हुए और ठहाके मारते नजर आ रहे हैं।